लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मध्य प्रदेश में जहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सैंपलिंग में भी सरकार ने तेजी दिखाई है। बड़ी संख्या में लोग सैंपल देने के लिए फीवर क्लिनिक में पहुंच रहे हैं, जहां पे उनके कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। हम राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। ये भोपाल के जिला अस्पताल की तस्वीर है, जहां पे आप देखें तो लोग पहुंचे हुए हैं अपनी सैंपल्स देने के लिए। करीब करीब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में रोजाना 84,000 के करीब कोविड सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 9,300 से ज्यादा नए कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। हालांकि जो घातकता की बात है कोरोना की, वो इस लहर में कम है। एक शख्स की मौत कोरोना से हुई है बीते 24 घंटों के दौरान, लेकिन जिस तेजी से मामले सामने आ रहे हैं उसके चलते जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब करीब 50,000 के करीब पहुंच गई है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उससे कम संख्या में लोग ठीक होकर के अपने घर जा रहे हैं। 11.72% की करीब पॉजिटिविटी रेट इस वक्त मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के देखा जाए तो जिस तेजी से कोरोना के मामले पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और इंदौर और भोपाल जैसे जो शहर हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो लोग अब बड़ी संख्या में अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालात इस तरीके से हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में हर देखा जाए तो 50 में से करीब करीब 20-30 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में बीते करीब 15 दिनों के दौरान, या फिर यूं कहे कि नए साल की शुरुआत जो मध्य प्रदेश में हुई है वो कोरोना की इस तीसरी लहर से हुई है, जिसमें रोजाना जो नए मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल।